and welcome to 30 mein 30, the daily dose of B-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. Ek aisa show jahan khabrein hongi fatafat, yani ek ke baad ek 30 khabrein. To intezar kis baat ka? Let's take a look. 30 mein 30. रिसेंटली कटरीना कैफ को स्पॉट किया गया था सलमान खान की फैमिली के साथ डिनर करते हुए, और अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स इस डिनर पार्टी में यूलिया को भी सलमान की सिस्टर अलवीरा ने इनवाइट किया था, लेकिन शायद कटरीना की मौजूदगी की वजह से यूलिया यहां नहीं आई। 30 में 30 आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि काम कंपोज सुशांत भड़क उठे एक जर्नलिस्ट पर। दरअसल अपनी आने वाली फिल्म राबता के ट्रेलर लॉन्च के प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त सुशांत को जर्नलिस्ट का एक सवाल कुछ खास पसंद नहीं आया। सुशांत यहां आए थे अपनी फिल्म राबता से जुड़े सवाल आंसर करने के लिए, लेकिन जर्नलिस्ट ने करंट पॉलिटिकल हॉट टॉपिक पर सुशांत को पूछ लिया एक सवाल। सुशांत को यही बात पसंद नहीं आई और उन्होंने कुछ ऐसे रिएक्ट किया। To say yes, condemn, or no condemn, you need to be responsible enough to know the facts related to it. 30 mein 30. आजकल बॉलीवुड में स्टार्स की अपने ब्रांड और फैंस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी पर डिबेट चल रही है, और रिसेंटली एक ब्रांड को प्रमोट करने पहुंची जैकलिन ने बताया कैसे वो उन्हीं ब्रांड्स को प्रमोट करती हैं जिसे वो खुद यूज करती हैं। आई थिंक फॉर मी लाइक इवन व्हिच यू नो बीइंग अ सेलिब्रिटी आई नो दैट वी हैव क्वाइट एन इन्फ्लुएंस ऑन अ लॉट ऑफ पीपल स्पेशली आवर फैंस एंड फॉर मी आई डू सी दैट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हिच इज व्हाई लाइक इवन एनी ब्रांड दैट आई डू एंडोर्स आई ट्राई टू मेक श्योर दैट इट्स अ ब्रांड दैट आई बिलीव In his ideologies, I have used the brand for myself. So whether it's my hair brand or it's my skin or it's like my, you know, sportswear and stuff, these are brands that I know promote a healthy lifestyle. And that's important for me because I think educating people on that, you know, we all know what bad stuff to do. I don't think we need much education on, you know, the things that are bad for us. But we do need a little bit of inspiration, sometimes motivation, education on what is actually good for you and where you can get that. 30 में 30 सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है की सेकंड पार्ट को भले ही कबीर खान की जगह अली अब्बास जफर ने डायरेक्ट किया है, लेकिन सलमान खान अपनी इस फिल्म के मेकिंग प्रोसेस में कबीर को भी शामिल रखना चाहते हैं। सलमान को लगता है उनका ये कैरेक्टर कबीर खान का ब्रेन चाइल्ड है। 30 में 30 आलिया भट्ट को करना पड़ा देर रात एक ड्रंक मैन के साथ ट्रैवल। दरअसल आलिया अपने बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ से मिलने पहुंची थी और उन्होंने अपने बॉडीगार्ड से कहा था कि वो वहीं आसपास रहें। वी आर्स में अपने घर जाने के लिए आलिया ने किया अपने बॉडीगार्ड को फोन, लेकिन बॉडीगार्ड ने फोन पिक नहीं किया। बहुत बार फोन करने के बाद बॉडीगार्ड पहुंचा और आलिया को घर लेकर गया, लेकिन कुछ देर बाद आलिया को एहसास हुआ कि उसका बॉडीगार्ड ड्रंक है। ऐसे में आलिया ने गाड़ी में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन घर जाकर अपनी मॉम से की इस बारे में कंप्लेन, और आलिया की मॉम ने किया उस बॉडीगार्ड को फायर। 30 में 30 एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस वरुण धवन के साथ फिल्म जुड़वा में काम करने को लेकर सुपर एक्साइटेड हैं, और रिसेंटली एक इवेंट पर उन्होंने बताया कैसे सलमान की इस आइकॉनिक फिल्म के साथ जस्टिस करना इस फिल्म के स्टार कास्ट की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। They're not easy shoes to fill, and I think that you know we're going to try and do as much justice to the 1997 Judua as possible. You know, it's 20 years down the line, but we have the same director, so he knows exactly what he wants. But it'll be exciting. It's such a great team. And we're hoping to, I think, recreate the magic that they did. 30 mein 30 Later on the show, apne nephew Ahil ke saath Salman bita rahe hain quality time. क्या सलमान यूलिया के बीच हुई अनबन? कहा जा रहा है द बंग टूर पर यूलिया भी सलमान खान के साथ परफॉर्म करना चाहती थी, लेकिन सलमान ने यूलिया की इस डिमांड को मानने से कर दिया इनकार, और इनके बीच शुरू हो गई प्रॉब्लम। 30 में 30
कल शाम मुंबई एयरपोर्ट पर हमने स्पॉट किया परिणीति चोपड़ा को, जो आजकल अपनी फिल्म मेरी प्यारी बिंदु के प्रमोशंस में बिजी हैं। साथ ही सोनाक्षी सिन्हा भी नजर आई काफी जल्दबाजी में, क्योंकि उनकी फिल्म नूर इसी वीक रिलीज हो रही है। साथ ही यहाँ मनोज बाजपेयी, मधु चोपड़ा और अनुपम खेर को भी किया गया स्पॉट। 30 में 30। संजय दत्त को मुंबई कोर्ट से मिली बड़ी रिलीफ। हाल ही में नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज और प्रोड्यूसर शकील नूरानी को थ्रेटन करने के चार्जेस लगे होने की वजह से संजय दत्त के अगेंस्ट इश्यू हुआ था नॉन बेलेबल वारंट। लेकिन कल कोर्ट में इसी केस की हियरिंग अटेंड करने के बाद संजय को इस मामले में राहत मिली। 30 में 30। सोनाक्षी सिन्हा, अक्षय कुमार और सुल्तान सलमान खान, अगर ये तीनों एक स्टेज पर मौजूद हो तो क्या होगा? पर इसका जवाब तो हांगकांग में द बैंग टूर के लिए आई ऑडियंस ही दे सकती है। लेकिन सोनाक्षी के इस रीसेंट ट्वीट किए वीडियो से हम ये अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि द बैंग टूर का ये परफॉर्मेंस था फुल ऑन हार्डकोर। सोनाक्षी ने ये ट्वीट करते हुए लिखा, द स्टेज वॉज लिट विद द बंग एंड राउडी एट द हैशटैग द बैंग टूर हांगकांग, यू वर अमेजिंग। 30 में 30। इंटीरियर डिजाइनर गौरी खान ने रिसेंटली डिजाइन किया करण जौहर के घर का टेरेस, और करण जौहर गौरी से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर गौरी के लिए तारीफों के पुल बांधना शुरू कर दिए। करण ने एक के बाद एक कई फोटोज के साथ सभी को गौरी खान का ब्रेथ टेकिंग टेरेस डिजाइन दिखाया। लेकिन इन सारी फोटोज में से एक ऐसी फोटो थी जो सारे फोटोज में स्टैंड आउट कर गई, और वजह थी इस फोटो में SRK के छोटे नवाब अब्राम का होना। करण ने ये फोटो पोस्ट करते हुए कैप्शन दिया, द अडोरेबल अब्राम इज टर्निंग आउट टू बी क्वाइट द पोजर, स्टीलिंग द थंडर फ्रॉम हिज टैलेंटेड एंड ब्यूटीफुल मदर। 30 में 30। सलमान खान चाहे कितना भी बिजी क्यों न हो, अपने नेव्यू आहिल के लिए टाइम निकाल ही लेते हैं। दबंग टूर पर भी सलमान आहिल के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ये सलमान आहिल की दबंग टूर से आई पिक्चर, जिसमें सलमान ने आहिल को लिया है अपनी गोद में। 30 में 30। अरबाज की एक्स वाइफ मलाइका और सोहेल की वाइफ सीमा के बीच है टेंशन। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, मलाइका और सीमा के बीच इतनी प्रॉब्लम है कि मलाइका ने रिसेंटली सीमा के न्यू कलेक्शन लॉन्च के लिए रखे गए इवेंट को भी मिस कर दिया, जबकि मलाइका टाउन में ही मौजूद थी। रिपोर्टेडली मलाइका और सीमा दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करती हैं। 30 में 30। बेबी तैमूर के बर्थ के बाद करीना कपूर खान शेप में आने के लिए कर रही हैं बहुत मेहनत। ये है करीना की रीसेंट पिक्चर, जिसमें वो अपनी ट्रेनर के साथ नजर आ रही हैं। वंडर वुमन टी शर्ट में करीना फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं अपना ट्रेडमार्क पाउट। 30 में 30। कुछ समय पहले हुए एक अवार्ड फंक्शन पर श्वेता बच्चन और कटरीना की हुई थी मुलाकात, और उस मुलाकात के दौरान क्लिक हुई कैंडिड पिक्चर को बिग बी ने किया सोशल मीडिया पर शेयर विद कैप्शन, आई डोंट नो व्हाई बट आई फाइंड दिस पिक्चर ऑफ कटरीना एंड श्वेता एट अ रीसेंट इवेंट मोस्ट चार्मिंग एंड फिल्ड विद ग्रेट अफेक्शन। 30 में 30। प्रियंका चोपड़ा के फुटस्टेप्स को फॉलो कर रही हैं परिणीति चोपड़ा। प्रियंका की तरह पहले सिंगिंग में हाथ आजमा चुकी परिणीति अब PC की तरह फिल्म प्रोड्यूस करना चाहती हैं। परिणीति ने कहा कि उनके पास बिजनेस माइंड है और वो अब प्रोड्यूसर बनना चाहती हैं। वेल, अब जिस तरह परिणीति PC को फॉलो कर रही हैं, उसे देखकर तो लगता है कि ये बहुत जल्द हॉलीवुड भी जाने की तैयारी करने वाली हैं। 30 में 30। कंगना रनौत की अपकमिंग फिल्म सिमरन के सेट से आई कंगना की ये लेटेस्ट क्रेजी पिक्चर। इस पिक में कंगना अपने गुजराती डिक्शन कोच के साथ दिख रही हैं, और इस पिक्चर में कंगना के गेटअप को देखकर लग रहा है वो क्रेजी सीक्वेंस शूट कर रही हैं। 30 में 30।
सैफ अली खान की फिल्म शेफ की शूटिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन फिल्म को फिलहाल फाइनल नहीं किया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, सैफ अली खान फिलहाल रणबीर कपूर का इंतजार कर रहे हैं। कहा जा रहा है रणबीर इस फिल्म में एक स्पेशल कैमियो रोल प्ले कर रहे हैं। 30 में 30। सोनम कपूर ने अपने सोशल हैंडल पर शेयर की है एक थ्रोबैक पिक्चर। इस पिक में सोनम दिख रही हैं चार्ली चैपलिन के गेटअप में। सोनम ने इस पिक्चर को शेयर करते हुए कैप्शन दिया, When little girls wanted to be princesses, I wanted to be Charlie Chaplin. Happy birthday, Charlie. I never look down and walk. I never forget that a day without laughter is a day wasted, and that life might be tragedy when seen in close up, but a wonderful comedy in long shot. 30 में 30। जुड़वा 2 के सेट से आई है फिर एक पिक्चर। इस पिक में वरुण विद हिज डैड नजर आ रहे हैं। साथ ही फिल्म के प्रोड्यूसर और बाकी टीम भी लंदन की ठंड को एंजॉय करते दिख रही है। आपको बता दें, जुड़वा 2 की शूटिंग के लिए पूरी टीम पिछले काफी समय से लंदन में है। 30 में 30। सलमान खान की अपकमिंग फिल्म ट्यूबलाइट के टीजर के लिए सलमान ने अपनी सोसाइटी गैलेक्सी अपार्टमेंट के बच्चों के साथ किया एक स्पेशल सॉन्ग रिकॉर्ड। इस सॉन्ग को प्रमोशनल सॉन्ग की तरह यूज किया जाएगा, और इस सॉन्ग में सलमान के साथ फीचर होने वाले बच्चों की एज 6 से 11 साल है, और ये ट्रेन चाइल्ड आर्टिस्ट नहीं है। 30 में 30। हाउसफुल 3 के बाद बच्चन जूनियर काफी टाइम से रहे बड़े पर्दे से दूर, लेकिन अब फाइनली अनाउंस हुआ है अभिषेक का आने वाला प्रोजेक्ट। सुनने में आया है कि ये फिल्म दो दोस्तों के रोड ट्रिप के बारे में होगी। इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे थिएटर वेटरन आकर्ष खुराना, और अभिषेक के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करते नजर आएंगे इरफान। लगता है अभिषेक की सोलो लीड मूवी का सपना सच होने में अब भी वक्त है। 30 में 30। सलमान का मच अवेटेड द बांग टूर हांगकांग में हुआ किक स्टार्ट, और यहाँ के परफॉर्मेंसेस के चर्चे चारों ओर फैले हुए हैं। लेकिन इस इवेंट की सबसे मेजर अट्रैक्शन रही सलमान की एंट्री। सलमान ने अपने लाखों फैंस की एक्सपेक्टेशंस बड़े खूब तरीके से फुलफिल की अपनी शानदार स्टेज एंट्री से। 30 में 30। ऐश्वर्या personifies sensuousness with this magazine cover. ऐश्वर्या recently feature हुई फिल्म फेयर मैगजीन के फ्रंट कवर पर, और अपने इस लुक में ऐश लग रही थी ड्रॉप डेड गॉर्जियस। ऐश्वर्या की स्मोकी ट्रेडमार्क ब्लू आईज, उनका ये ब्लू ऑफ शोल्डर कोट और उनके इस सल्ट्री अंदाज को देखकर तो यही लगता है कि ऐश hasn't aged a day, और वो वक्त के साथ और भी हसीन होती जा रही हैं। 30 में 30। आमिर खान अपनी फिल्म दंगल की एक्ट्रेस फातिमा शेख के करियर को बॉलीवुड में एस्टैब्लिश करवाने में लगे हैं। कहा जा रहा है कि आमिर ने फातिमा को एक ब्रांड एंडोर्समेंट डील दिलवा दी है। इससे पहले फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के लिए भी फातिमा का नाम आमिर ने रेकमेंड किया था। 30 में 30। रणबीर कपूर को किया गया स्पॉट। संजय दत्त की बायोपिक के लिए डेडली ट्रांसफॉर्मेशन कर चुके रणबीर यहाँ काफी जल्दबाजी में नजर आए। बिना कैमरास की तरफ देखे रणबीर काफी जल्दी में अपने वेन्यू की तरफ बढ़ गए। दत्त के कैरेक्टर को निभा रहे रणबीर यहाँ दिखे कैजुअल अटायर में। 30 में 30। एली अवराम ने दबंग टूर पर अक्षय कुमार के साथ दी थी स्पेशल परफॉर्मेंस, और हांगकांग से इंडिया लौटी एली ने बताया कैसा रहा अक्षय कुमार के साथ परफॉर्म करने का एक्सपीरियंस। Oh my God, it was amazing. So now I can share that I performed with Akshay sir. Yes, and it was a surprise, the surprise of the show, and it was like a secret. So that's why I couldn't share anything, but it was so much fun. We performed on Chura Ke Dil Mera and Tippe Tippe Barsa Pani. It was like a dream come true. 30 में 30।
आलिया भट्ट को मिली है बड़ी अचीवमेंट. आलिया भट्ट शामिल हो गई है फोर्ब्स लिस्ट 2017 में. आलिया की पॉपुलैरिटी और परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें इस लिस्ट में जगह मिली है. पिछले कुछ समय में आलिया की बैक टू बैक हिट्स ने उन्हें बॉलीवुड का बड़ा स्टार बना दिया है. 30 में 30. सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म नूर से सेंसर बोर्ड ने दो वर्ड दलित और सेक्स टॉय को रिमूव करने का फैसला दिया है. सेंसर बोर्ड ने फिल्म के मेकर से इन वर्ड्स को हटाने के बाद ही सर्टिफिकेट देने की बात कही है. 30 में 30. एक्टर प्रतीक बब्बर काफी समय बाद नजर आए बॉलीवुड की एक पार्टी को अटेंड करते हुए. और यहाँ जूम के साथ एक्सक्लूसिव इंटरेक्शन में प्रतीक ने बताया उन्होंने बॉलीवुड को बाय बाय नहीं कहा है और वो जल्द वापसी करेंगे. कुछ इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स है, मैं पढ़ रहा हूँ स्क्रिप्ट, काफी पढ़ रहा हूँ, बट आई कांट रियली रिवील टू मच. लेकिन जब वक्त आएगा तो मैं बता दूंगा.